सिल्क्यारा टनल हादसे में फंसे मजदूरों को ऋषिकेश के एम्स ले जाया गया था, जहां से उनकी प्रारंभिक जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें वहां से रवाना कर दिया गया, यानी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 41 मजदूर एम्स ऋषिकेश पहुंचे थे, जहां पर उनसे मिलने उत्तराखंड के राज्यपाल भी पहुंचे, और वहां से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर लखनऊ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इन 8 मजदूरों के नाम हैं अंकित श्रावस्ती से, राम मिलन श्रावस्ती से, सत्यदेव श्रावस्ती से, संतोष श्रावस्ती से, जयप्रकाश श्रावस्ती से, रामसुंदर श्रावस्ती से, मंजीत लखीमपुर खीरी से और अखिलेश कुमार मिर्जापुर जिले से हैं। इन लोगों ने योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद बेहद खुशी जाहिर की और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने 17 दिन सुरंग में काटे, लेकिन उनका हौसला नहीं डगमगाया। जी सर, मेरा नाम अखिलेश कुमार है, मैं जिला मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। योगी आदित्यनाथ से मिलने का मेरा बहुत मन कर रहा है और उनसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। बाकी यहाँ पर अरुण कुमार मिश्र सर, हमारे जो भी सर हैं, और हम लोग अंदर में भी फंसे थे तो आके बातचीत किए और वो हम लोग को यहाँ तक लेके आए। उनका भी यहाँ के गवर्नमेंट से पूरा मेरा हम लोग को सपोर्ट मिला। तो सर, योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। में तो दिक्कत जैसे कि ऑक्सीजन, खाना की व्यवस्था नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम है। बाद में पाइप द्वारा खाना मिला, पानी मिला, ऑक्सीजन मिला, इसलिए उतरा है। जी, मेरा नाम मनजीत है, मैं उत्तर प्रदेश यूपी लखीमपुर खीरी से रहने वाला हूँ। मुझे बहुत खुशी है वहाँ से निकल के यहाँ आने की, और बयान नहीं कर सकता कि मुझे कभी भी विश्वास नहीं था कि श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं मिलूँगा। आज बहुत खुशी हो रही है, उनसे मिलूँगा मैं, यही मेरा, बहुत खुश हूँ मैं सर। सर, मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर हमको बहुत अच्छा लगेगा। और जो टनल में फंसे थे, और वो पहले दिन तो बहुत कश्ती से कटा था, उसके बाद धीरे धीरे अच्छे से कटने लगा था। जी, मेरा नाम संतोष है, मैं मोतीपुर से हूँ, श्रावस्ती से। हम लोग को मिलना था योगी आदित्यनाथ से, और हम लोग को वो प्रदान करेंगे सब जितना ही हो सके, मिलना चाहते हैं हम लोग। धन्यवाद। लखनऊ पहुंचने के पहले ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई। गुरमीत सिंह कल शाम को वहां के मजदूर जो एम्स में भर्ती थे उनको देखने गए थे, और वहां से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की और उन्होंने कहा कि सिल्क्यारा सुरंग से निकले सभी श्रमिक स्वस्थ हैं और सभी श्रमिकों ने मानव को ये सबक सिखाया है कि मुश्किल वक्त में एकजुटता से कैसे रहा जाता है। साथ ही साथ इस चैलेंज ने राष्ट्र को भी एकजुट किया है और तालमेल के साथ विदेशी एक्सपर्ट के साथ काम करना भी सिखाया है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और इसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया। वो क्षण आ गया है, आपका प्रश्न इतना सुंदर है, मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि आपके प्रश्न के अंदर में आखिर में आपने कहा उन 41 के लिए उनका पूरा निरीक्षण वगैरह हो गया है और आई हैव मेट एवरीबॉडी, और इतना खुशी होती है। आई हैव बीन अ सोल्जर माइसेल्फ, एक सैनिक रहा हूं पूरा जीवन में, और ऐसे सैनिक एक मजा आता है किसी भी परिवार को जो 17 दिन 400 घंटे 41 लोग इकट्ठा एक कलेक्टिव टीम की तरह, फौज के अंदर में जब 35 लोग होते हैं हम उसको एक प्लाटून बोलते हैं, ये एक प्लाटून की तरह उसके अंदर में एक नेचुरल लीडरशिप की तरह निकले हैं। अभी मेरे को लगता है कि आई एम नॉट चेक्ड अप विद एडमिनिस्ट्रेशन, बट वन थिंग इज डेफिनेट दैट ऑल चेक्स बैलेंसेस हैव बीन डन, और ये बहुत ही एक सुनिश्चित तरीके से किया गया है, एक बहुत प्लान्ड तरीके से किया गया है। और मुझको ऐसा लगता है कि जैसे आपने पहला पॉइंट आपका था कि हमारे सामने में चुनौतियां हैं ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, आपने अगर एक ट्रेंड को देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट
ये सब की तरफ भी जाना है और एक ऑर्गेनाइज तरीके से ही जाएंगे। और बहुत खुशी है कि इट इज मूविंग इन ए प्लान्ड फैशन और हर एक चैलेंज को ठीक तरीके से किया जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि ये चैलेंज हमारे सामने था, हर पल लग रहा था कि कितना मुश्किल है, लेकिन आखिर में सक्सेस हुई। ये सक्सेस पूरे राष्ट्र की है, ये सक्सेस पूरे लीडरशिप की है, ये सक्सेस पूरी एजेंसीज की है, ये सक्सेस मैं कहूंगा कि हर एक भारतीय की आस्था की, पूजा की, प्रेयर की है। और सबसे बड़ी सक्सेस है ये हमारे जो योद्धा है, 41 योद्धा, ये उनकी सक्सेस। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ये सभी मजदूर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। यूपी न्यूज 9 के लिए ऋषिकेश से विनीता कुमारी के साथ लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।